अस्पताल जनता के द्वार के तहत जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सुदूर झिझौड़ी गांव में लगाया स्वास्थ्य शिविर। अस्पताल जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विकास खंड नारायण बगड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्र झिझौड़ी में शुक्रवार को मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर 272 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जनरल सर्जन, आर्थोसर्जन, स्त्री व बाल रोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन के साथ विभिन्न गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान एक मानसिक रोगी एवं 3 दिव्यांगजनों का विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र यूडीआईडी मौके पर ही जारी किया गया। स्वास्थ्य शिविर में दर्जनों दूरस्थ गांव क्षेत्रों से पहुंचे 272 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर शिविर का लाभ उठाया। विशेषज्ञों चिकित्सकों द्वारा सभी पंजीकृत लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरित की गई। शिविर में 41 हड्डी रोगी, 13 ईएनटी, 28 आंख, 35 बाल रोग, 11 महिला रोग, 15 दंत रोग, 18 रक्त जांच, 27 जनरल सर्जरी, 32 सामान्य रोगियों की स्क्रीनिंग की गई। मोतियाबिंद वाले 4 मरीजों का ऑपरेशन के लिए रेफर किया गया, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। आयुष बिंग ने 31, होम्योपैथी ने 63 लोगों को दवा वितरण की। शिविर में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग आदि सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत 7 आवेदन पत्र वितरित किए गए। स्वास्थ्य शिविर में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, ACMO डॉक्टर बीपी सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ निर्मल प्रसाद, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग सक्सेना, ENT सर्जन डॉक्टर शिखा भट्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंकित भट्ट, स्वास्थ्य शिक्षा संचार समन्वयक उदय रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार उनियाल आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन संदीप पटवाल ने किया। ओर से एवं क्षेत्र वासियों की ओर से महोदय बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में इस कार्यक्रम आप सभी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ जनता से जुड़ी हुई अधिकांश योजनाओं के जो महारथी हैं, जो जिले स्तर पर तमाम प्रकार के जो हमारे आम जनमानस से जुड़ी हुई इस तरह के शिविर आम जन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। मैंने अधिक अमूमन देखा आज के समाज कल्याण से जुड़ी हुई जो लोगों की समस्याएं थी, वो आज का भी लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पे हुआ। और इस तरीके के शिविरों का आयोजन इन दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाना अति आवश्यक है, ताकि लोगों की जो मुख्य समस्याएँ बनी हुई हैं वो सॉल्व हो सके। और मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो झिझुनी के नीचे से जो भूमि धसा हो रहा है वो बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय जी से कि आप भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम बना करके भूमि निरीक्षण करवाया जाए और इसके लिए कोई ठोस उपाय किया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।